दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से गुरुवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्डर ने किया। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आयोजन सचिव व जिला खेल अधिकारी सबल प्रताप सिंह ने बताया कि दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से 12वीं दिव्यांग राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें करीब 900 दिव्यांग खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में सिर्फ एथलेटिक्स के खेल होंगे। आज प्रथम दिन अधिक दिव्यांगता वाले खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिताएं हो रही हैं, जो विशेष रूप से ऐसे खिलाड़ी जो व्हीलचेयर पर रहते हैं, उनकी गोला फेंक, भाला फेंक, तश्तरी फेंक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। कल दिव्यांगों के लिए स्टैंडिंग एथलेटिक्स इवेंट की प्रतिस्पर्धा होगी। इनमें ऐसे दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेंगे जो खड़े होने की स्थिति में तो हो इनमें ऐसे दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेंगे जो खड़े होने की स्थिति में हो, जिनमें दृष्टिहीन भी शामिल होंगे। और 4 फरवरी को एथलेटिक्स की विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतियोगिता को एसोसिएशन द्वारा अलवर में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें अलवर के दिव्यांग खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में पैरा एथलेटिक्स के ओलंपियन सुंदर सिंह गुर्जर, संदीप सिंह नरुका व विजेंद्र सिंह भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये 12वीं दिव्यांग पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता है जो स्टेट लेवल की प्रतियोगिता अलवर में की जा रही है। राजस्थान एसोसिएशन के सचिव हिम्मत जी ने ये अलवर में कराने का हमारे को सौभाग्य दिया। इस प्रतियोगिता को आयोजित कराने में हमारे जो पुराने एथलीट जिन्होंने सर्विस ज्वाइन किए उनके द्वारा इसको आयोजित कराया जा रहा है। इसमें जो जन सहयोग सभी ने अपने अपने स्तर से जो किया वो है, लगभग इसमें 900 बच्चों ने पार्टिसिपेशन है, बच्चे और उनके पेरेंट्स। इसके अंदर केवल एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं हैं। आज प्रथम दिवस केवल व्हील चेयर की जो प्रतियोगिता होती है जिसमें सिटिंग थ्रोज होते हैं वो किए जाएंगे। कल इसके अंदर जो कैटेगरी है उसमें स्टैंडिंग थ्रो के कैटेगरी आएगी, तो उसमें आपके जो एथलीट है जो पैर से खड़े होने में सक्षम नहीं होते वो खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। और इसके अलावा जिनको आंखों से दिखाई कम देता है वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। परसों के दिन 4 तारीख को के रनिंग इवेंट वाले जो इवेंट्स हैं जो अपने पैरों से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो उनके होंगे। उसमें ट्रैक इवेंट्स भी है और हाई जंप और लॉन्ग जंप के इवेंट भी कराए जाएंगे।